बैंक घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी को डोमिनिका के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ताजा जानकारी यह है कि उसे क्वारंटीन सेंटर से अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि उसका कोरोना टेस्ट निगेटिव है, लेकिन भारी सुरक्षा के बीच उसे अस्पताल में रखा गया है। चौकसी के वकीलों ने उसके साथ मारपीट का भी आरोप लगाया था। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मेहुल चौकसी का कोरोना टेस्ट निगेटिव आया, लेकिन उसे भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अस्पताल में रखा गया है, जहां केवल वो अपने वकीलों से मिल सकता है। हालांकि उसके वकीलों की तरफ से मारपीट का आरोप भी लगाया गया है कि चौकसी के साथ वहां पर मारपीट हुई है, और जो तस्वीरें परसों आई थी उसमें भी चौकसी के शरीर पर मारपीट के निशान दिखाई दे रहे थे। और इसी तस्वीर का हवाला देते हुए यह आरोप चौकसी के वकीलों की तरफ से लगाया गया है कि उसके साथ वहां पर मारपीट हुई है। लगातार भारत की तरफ से कोशिश हो रही है कि डोमिनिका से चौकसी को भारत लाया जाए प्रत्यर्पण करके, लेकिन इस बीच वहां पर जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है और चौकसी का कोरोना टेस्ट हुआ उसके बाद अब उसे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पीएनबी घोटाले का आरोपी है प्रणय उपाध्याय, हमारे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। प्रणय, पूरा अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए, मेहुल चौकसी को अब डोमिनिका चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, और कोर्ट ने भी कहा था कि उनको किसी चीज की चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ती तो उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया जाए। लेकिन ये रोचक है आदर्श की 24 घंटे पहले ही उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा गया था पोर्टसमाउथ में डोमिनिका के, और उसके बाद अचानक 24 घंटे बाद उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, और मेहुल चौकसी को भारी सुरक्षा में रखा गया है। किसी से मिलने की इजाजत नहीं, केवल वकीलों को ही मिलने की इजाजत दी गई है। कोर्ट इस मामले पे 2 जून को सुनवाई करेगा, उसके पहले 1 जून को दोनों पक्षों को, यानी सरकारी पक्ष डोमिनिका सरकार का है उसको और मेहुल चौकसी के वकीलों को एफिडेविट फाइल करना है इस मामले के अंदर, और खुले अदालत के अंदर सुनवाई होगी इस पूरे मामले के ऊपर। ठीक है जी, अगर बहुत धन्यवाद आपका प्रणय इस पूरे अपडेट के लिए। ABP News, आपको रखे आगे।